जी तो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़रहान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वायरा टेक। फ्रेंड जी तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग इन्फिनिक्स मोबाइल के अंदर जब आप लोग कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसके ज़रिए से आप लोगों के मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे ऐड चलना शुरू हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसको आप लोग कैसे बंद कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी इस तरह के नोटिफिकेशन आए, वीडियो आए, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जी तो फ्रेंड, हम अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। तो फ्रेंड, इधर आप लोगों को बहुत ही मैं आसान सेटिंग बताऊंगा जिससे आप लोगों के ऐड बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड, इसके लिए आप लोगों ने सेटिंग में चले जाना है। उसके बाद आप लोगों को इधर मोर कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप लोगों को इधर आना है। तो इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर प्राइवेट DNS लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों ने इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इधर आप लोगों को एक वेबसाइट का लिंक यानी कि लिखना है DNS डॉट। उसके बाद आप लोगों को ADGUARD कुछ इस तरह से लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने .com लिख के आप लोगों ने इसको सेव कर देना है, जिससे आप लोगों का इधर प्राइवेट DNS से लग जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों को, अगर इससे भी आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, तो आप लोगों ने एक और काम करना है कि आप लोगों ने इधर प्ले स्टोर में चले जाना है और यहाँ पे आप लोगों को लिखना है 111, चार दफ़ा ऐसे लिखेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाला एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर ली है। तो उसके बाद आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने सिंपली इसको आप लोगों ने ऑन कर देना है, जिससे आप लोगों का एड्स बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।